हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल से मोतीचूर के लड्डू। आपने बेसन से मोतीचूर के लड्डू सुने होंगे, लेकिन मैं आपको आज बहुत ही सिंपल तरीके से बिना झारे से और बिना बूंदी निकाले आपको मोतीचूर के लड्डू बनाना बताऊँगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप देख लिया तो आप आसानी से बहुत ही टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं मोतीचूर के लड्डू बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चने की दाल ली है, ये 1 कप है। आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताऊंगी। तो इसको मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था और इसको हम ये इस तरह की हो गई, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम इसको छलने वाले बर्तन में निकालेंगे, जिससे क्या होता है ये पानी पूरा झर जाएगा और हम इसको अच्छे से वॉश भी कर लेंगे। 2-3 बार हम फ्रेश पानी डाल के इसको अच्छे से हम साफ कर लेंगे चने दाल को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चने दाल को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अभी हम इसको छलने वाले बर्तन में पानी झरने देते हैं। ये देखिए पानी झर गया है, इसका पूरा पानी निकल गया है। अभी हम मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम इसको चने दाल को डाल देंगे और दरदरा सा हम इसका पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान रेसिपी, आपको मोतीचूर के लड्डू आसानी से आप बना सकते हो। अगर स्टेप बाय स्टेप इसको वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा। तो अभी हम इसका पेस्ट बना लेते हैं दरदरा सा। तो मिक्सी में हमें रुक रुक के मिक्सी चलाना है, एक साथ नहीं चलाना है, और इस तरह हमें दरदरा पेस्ट बनाना। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो ये देखिए, हम इसको बर्तन में निकाल लिया है। अभी हम इसको जैसे ये देखिए इतना सा हम लेंगे और इसको घी में फ्राई कर लेंगे। आप रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो, जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं वैसे हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने कढ़ाई ले लिया है, अभी हम इसमें मैं घी डाल रही हूँ। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है, अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। लेकिन मैं घी से बना रही हूँ, घी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है रिफाइंड ऑयल या घी, आप किसी से भी बना सकते हो। तो ये मैंने घी डाल दिया है, अभी हम इसको गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्म हो चुका, आप देख पा रहे होंगे। अभी ये देखिए लाइट में दिख नहीं रहा, ये पेस्ट थोड़ा सा लाइट गिर गई है इसके ऊपर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके, जैसे पकौड़ी हम निकालते हैं वैसे इसमें थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेके इसमें हम डाल देंगे घी में और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से निकाल के। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको देख लिया तो आप आसानी से मोतीचूर के लड्डू का टेस्ट ले सकते हो। बहुत ही आसान तरीका इसको बनाना। अगर इस तरह आप बनाओगे तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो इसको। हर कोई मोतीचूर के लड्डू बना सकता है, इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है। इसमें हमें ना तो झरे की जरूरत है ना बूंदी की जरूरत है, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखें और कमेंट में भी बताना कि आपको ये मेरे मोतीचूर के लड्डू कैसे लगे। तो ये देखिए, गैस को मीडियम कर देंगे। तो मैंने गैस को मीडियम कर दिया है, जिससे क्या होता है कि अंदर तक पक जाएंगे। अगर हम गैस को फुल रखेंगे तो ऊपर ऊपर से पक जाएंगे, अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो बस थोड़ा सा इसी बात का हमें ध्यान रखना है और इसको ऐसे पलट के चारों तरफ से इसको फ्राई कर लेंगे। तो बस मीडियम गैस ही रखना है इस टाइम, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह ये एकदम करारे से कुरकुरे टाइप के फ्राई हो गए हैं। तो इनको मैं सभी ऐसे निकाल लूँगी। तो इस तरह हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं, अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। इसी तरह हम सारे पेस्ट का ऐसे फ्राई करके हम पेस्ट इसका पकौड़ी जैसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमें सभी पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी पेस्ट को फ्राई कर लिया है, एकदम ही करारी और कुरकुरी टाइप की ये पकौड़ी जैसी बनी है, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसका हम फिर से इसको मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे दरदरा सा। उससे पहले हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1 कप हमने चना दाल ली है, तो उसी का 1 कप हम चीनी लेंगे। अगर इस मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाओगे तो आपका ना तो मीठा बनेगा ना ज़्यादा
फीका बनेगा, बहुत ही टेस्टी आपका बनेगा। तो देखिए, एक कप हमने चीनी लिया है, उसका हाफ कप हमें पानी लेना है। बस इसी बात का आपका ध्यान रखना, इसी मेजरमेंट से आप चाशनी बनाओगे तो आपके परफेक्ट मोतीचूर के लड्डू बनेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा या फीका नहीं बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना है। अभी जब तक ये उबाल आ रहा है चाशनी में, तब तक हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो गैस को मैंने थोड़ा कम कर दिया है, वो चाशनी धीरे धीरे बनेगी, तब तक हम ये इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमें दरदरा इसको पीसना है, तो मैं आपको एक बार पीस के दिखा देती हूँ। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें एकदम दरदरा ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देख पा रहे होंगे आप। इस तरह हमें बनाना है इसका पेस्ट, ये देखिए। ऐसे ही हम सारे को ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह हमें ये इसको ग्राइंड कर लेना है। अभी हम इसको अलग कर देंगे, अभी हम करते हैं चाशनी की तरफ। तो मैंने गैस को फुल कर दिया है और चाशनी हमारी उबल गई है अच्छे से। ये देखिए, ये तार बनने जा रहा है, हमें एक तार की चाशनी चाहिए। तो ये देखिए बनने वाला ही है। तो इससे पहले हम इसमें कलर डाल देंगे, थोड़ा ऑरेंज कलर, ये फूड कलर है। इसमें ये एकदम नेचुरल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप डाल सकते हो। अगर आपको येलो पसंद हो तो आप येलो डाल सकते हो, लेकिन मोतीचूर के लड्डू ज़्यादा ऑरेंज कलर में ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया है इसमें थोड़ा सा। अभी हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे। तो मैंने आधा चम्मच से कम इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हमारी एक तार की चाशनी बनके परफेक्ट बनी है। एक तार की चाशनी, हमें एक तार की चाशनी बनानी है फ्रेंड्स, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनानी है, नहीं तो हमारी एकदम ये जम जाएगी चाशनी। तो हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो एक तार की चाशनी बन चुकी है, मैंने दिखाया है आपको अभी। तो आप चेक करके एक तार की चाशनी में ही ये डालना। तो ये देखिए, अभी हमारी चाशनी बन के रेडी हो गई है, अभी हम इसमें डाल देंगे। ये पूरा पाउडर जो हमने बनाया है दाल का, ये इसी में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने अभी फ्रेंड्स, इस टाइम मैंने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अगर हम गैस को ऑन रखेंगे तो चाशनी ज़्यादा जम जाएगी और एकदम पत्थर जैसा बन जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस टाइम गैस को बंद कर देना है और अच्छे से आराम से मिक्स करना है। तो देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम कुछ इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने थोड़ी पिस्ता ली है, काजू और ये बादाम। आप कोई आप किशमिश भी डाल सकते हो, कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका ये मैंने बताया है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी गणेश चतुर्थी आने वाला है, तो इसमें गणेश जी को भोग लगाना और बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इस तरह मोतीचूर के लड्डू बना के गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए, इसको हम ठंडा होने के बाद ही इसके हम लड्डू बनाएंगे। जैसे नॉर्मल, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल ठंडा चाहिए हमको कि हम हाथ में लेके लड्डू बना सकते हैं। इतना हमें ठंडा चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है, 10-15 मिनट हो गई है इसको। अभी हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो मैं पहले थोड़े हाथ पे घी लगा लेती हूँ, जिससे चिकना हो जाएंगे हाथ, उससे लड्डू आसानी से बन पाएंगे। तो देखिए, इस तरह हमें लड्डू बना लेना, मैं आपको दिखा देती हूँ। साइज आपकी जो मर्जी हो उसी हिसाब से आप बना सकते हो, छोटा या बड़ा। तो देखिए, मैंने इस तरह लड्डू बना लिए, मैंने छोटे साइज के लड्डू बनाए हैं, आप बड़े भी बना सकते हो। तो ऐसे राउंड राउंड करके हमें शेप दे देनी है, जिससे बहुत ही अच्छी। देखिए, लड्डू हमारे बनके रेडी हुआ है, देखिए एकदम मोतीचूर का लग रहा है। आपको एक और बना के दिखाती हूँ मैं। ऐसे हमें राउंड शेप दे देना, जिससे कि एकदम गोल की तरह गोल हो जाएंगे और बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा लड्डू बनाना। तो ये देखिए, ये भी इस तरह हमें ऐसे ही सारे लड्डू बना लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक कप से हमने कितने लड्डू बना लिए हैं आप देख पा रहे होंगे। एक कप हमने चने दाल ली है और एक कप हम चीनी लिए है, उससे हमारे लड्डू मोतीचूर के लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही दानेदार मोतीचूर का लड्डू हमारा बन के रेडी हुआ है, तो देख पा रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट में बताना कि मेरे मोतीचूर के लड्डू आपको कैसे लगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मोतीचूर के लड्डू बनके हमारे रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।